बड़ी खबर यह है कि न्यूज नेशन मीना जॉर्ज के फ्लैट तक पहुंचा है। मुंबई से सटे मीरा रोड के 7/11 इमारत के चौथे फ्लोर पर यह फ्लैट है। एनआईए ने पूरे घर की तलाशी भी ली है। पिछले कई दिनों से यह घर लगातार बंद चल रहा था। मीना जॉर्ज के फ्लैट तक न्यूज नेशन पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, ये मीना जॉर्ज के फ्लैट की ये तस्वीर है। मीरा रोड के 7/11 इमारत के चौथे फ्लोर पर यह फ्लैट है, रेंटेड ये फ्लैट है। जो जानकारी है उसके मुताबिक वहां की तलाशी अब एनआईए ने भी ली है। मनसुख हिरेन हत्या मामले के मुख्य आरोपी सचिन वाजे के मामले में रोज नए खुलासे सामने आ रहे। बीती रात एनआईए ने सचिन वाजे की महिला दोस्त मीना जॉर्ज को मुंबई के एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। मीना जॉर्ज जो सचिन वाजे की महिला दोस्त थी, बताया जा रहा है कि वो सचिन वाजे का काला धन सफेद धन में तब्दील करती थी। इस वक्त हम खड़े हैं मीना जॉर्ज के फ्लैट के सामने, घर के सामने, जो मुंबई से सटे मीरा रोड के 7/11 नामक इमारत है उसके चौथे फ्लोर पे। इसी 401 फ्लैट नंबर में मीना जॉर्ज रहती थी, जो बीती रात एनआईए ने उनको मुंबई के एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। मीना जॉर्ज को जब मुंबई के एयरपोर्ट से एनआईए ने हिरासत में लिया, जिसके बाद एनआईए की टीम मीना जॉर्ज को लेकर उनके घर इसी फ्लैट में पहुंची और वहां पर उन्होंने पूरे घर की छानबीन की। और फिलहाल मीना जॉर्ज एनआईए के हिरासत में है और वहां पर मीना जॉर्ज की पूछताछ चल रही है। अब इस मामले में मीना जॉर्ज की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इस पूरे केस में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। जर्नलिस्ट कमलेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज नेशन, मुंबई। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई, हमारी सहयोगी ज्योत्सना पहुंची है उस फ्लैट तक जो कि है मीना जॉर्ज का रेंटेड ये फ्लैट है। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ चुकी है और साथ ही पंकज हमारे साथ एनआईए दफ्तर से जुड़ चुके हैं। ज्योत्सना, आप उस फ्लैट तक पहुंची जो कि मीना जॉर्ज का है, ये रेंटेड फ्लैट है। जानकारी ये भी है कि जब एनआईए ने तलाशी ली कुछ दस्तावेज भी यहां से जब्त हुए हैं। बिल्कुल राकेश, हमने देखा कि तस्वीरें जो हमने दिखाई कि बीती रात को जो है मीना जॉर्ज को हिरासत में लिया था, जिसके बाद एनआईए मीना जॉर्ज को लेकर इसी उनके फ्लैट में पहुंची थी 401 में, जहां पर पूरे फ्लैट की जो है वो उन्होंने वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो इकट्ठे किए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के आधार पर ये पता चलेगा कि वो सचिन वाजे के साथ किन किन मामलों में जुड़ी हुई थी। मीना वाजे का ये रेंटेड फ्लैट है, लेकिन फिलहाल ये फ्लैट जो है वो बंद किया है, ताला साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। लेकिन हमने जो उनके आस पड़ोस है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने बातचीत करने से मना किया, क्योंकि लोग डर चुके हैं। क्योंकि एक आम महिला जो बताती है कि वो नौकरी कर रही है, किसी कामकाज में है, और बाद में पता चलता है कि वो इतने बड़े कांड में शामिल है, तो अपने आप में ये नेबर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। पूरे इमारत में शांति थी, सन्नाटा था। और अभी इस डॉक्यूमेंट के आधार पर एनआईए जो है वो मीना जॉर्ज की पूछताछ कर रही है। इस डॉक्यूमेंट के आधार पर कई मामले जो है वो सामने आ सकते हैं कि सचिन वाजे का जो काला कई मामले सामने आ सकते हैं। दस्तावेज अहम है पंकज, 12 घंटे तक एनआईए ने पूछताछ की है, बड़ी पार्टनर मानी जा रही है सचिन वाजे की, कई बड़े खुलासे होंगे, ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप है, पूरा नेक्सस खुलकर सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए राकेश, जैसे ही सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ था उसके बाद से ही मीना जॉर्ज जो है वो फरार थी। मीना जॉर्ज की तस्वीर सबसे पहले एक पास सितारा होटल के सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दिया था, और चौंकाने वाली बात यह थी कि मीना जॉर्ज के हाथ में उस वक्त पैसे गिनने की मशीन थी। तो अपने आप में ये एक नई बात थी कि सचिन वाजे के साथ एक महिला चल रही है जिसके हाथ में पैसे गिनने की मशीन है। और यहीं पर एनआईए जो है वो मीना जॉर्ज की तलाश में लग गई। 15 दिनों की तलाश के बाद आखिरकार मीना जॉर्ज को जो है वो पहले हिरासत में लिया गया और बाद में अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे अहम है कि मीना जॉर्ज को सचिन वाजे की राजदार माना जा रहा है। सचिन वाजे की जो काली कमाई थी उसका सारा हिसाब जो है वो मीना जॉर्ज रखती थी, और यहाँ तक कि पैसों के लेन देन और गिनने का काम भी जो है वो मीना जॉर्ज देखती थी। तो कहीं ना कहीं एनआईए को जिस तरह से तलाश थी, तो वैसे में देखा जाए तो मीना जॉर्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस पूरे मामले में, जो सचिन वाजे के ब्लैक मनी का हिसाब, जो सचिन वाजे पर जो 100 करोड़ की वसूली का हिसाब है, ऐसे तमाम जो सचिन वाजे पर जो आरोप हैं, उन तमाम आरोपों पर से पर्दा उठ सकता है, उन तमाम आरोपों का जवाब, और इसीलिए शायद एनआईए ने, पंकज, इसीलिए शायद एनआईए ने जरूरत समझी कि मीना जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद तफ्तीश को और आगे लेकर जाया जाए ताकि पूरी सच्चाई खुलकर सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमसे जुड़ने के लिए, और ज्योत्सना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आगे आपसे हम अपडेट जरूर लेंगे। सचिन वाजे एंड कंपनी पर शिकंजा कसता जा रहा है, जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है सबूत और गवाह सामने आते जा रहे हैं।
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे के रहस्य लोग की लग्जरी एंड हाई एंड कार है, अब उसके ही गुनाहों के चैप्टर को एक एक कर खोल रही है। ऑडी, मर्सिडीज, वॉल्वो, प्राडो और आउटलैंडर, कुल 9 कारों के इर्द गिर्द घूम रहा है मुंबई के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल केस का सुराग। अब तक एनआईए को 9 में से 7 कारें बरामद हुई हैं और 8वीं कार का ये सुराग हाथ में लगा है। ऑडी कार जिसका नंबर है MH04FZ6561, इस कार की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ऑडी कार की ये सीसीटीवी तस्वीर ठाणे के चेक पोस्ट की बताई जा रही है जो वसई से मुमरा रेती बंदर के बीच पड़ता है। 4 मार्च को जब मनसुख हीरेन की हत्या हुई थी तब वसई में ही सचिन वाजे और उसके सहयोगी विनायक शिंदे के बीच मीटिंग हुई थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 4 मार्च की रात सचिन वाजे इसी ऑडी कार को चला रहा था जबकि उसकी बगल वाली सीट पर विनायक शिंदे बैठा था। हालांकि फिलहाल ये कार कहां है किसी को नहीं मालूम। एनआईए की अलग अलग टीम वसई इलाके में इस काले रंग की ऑडी कार की तलाश कर रही है। पुलिस महकमे में असिस्टेंट इंस्पेक्टर जैसा अदना सा कद, लेकिन सेवा में महंगी कारों का वो काफिला जो कि बड़े बड़े रईसों को नसीब नहीं होता। एनआईए के मुताबिक पिछले साल भर में वजह 9 हाई एंड कारों को चला रहा था जिसमें से 7 कार एनआईए ने जब्त कर ली है जबकि 8वीं ऑडी कार की तलाश एनआईए को शिद्दत से है। एनआईए की 2 टीमें इस ऑडी कार की तलाश में निकल चुकी हैं। एनआईए का मानना है कि इसी कार में मनसुख हिरन की हत्या की साजिश रची गई और इसी वजह से अगर ये कार एनआईए के हत्थे चढ़ जाती है तो वो सचिन वजह के खिलाफ एक अहम सबूत का काम करेगी। एनआईए के लिए वाजे की 9 कारों का तिलिस्म सुलझाना किसी चैलेंज से कम नहीं है क्योंकि हर कार के पीछे एक अलग कहानी है, हर गाड़ी से क्राइम की एक अलग मिस्ट्री जुड़ी है। गाड़ी नंबर 1 हरे रंग की स्कॉर्पियो जिसका मालिक मनसुख हिरेन था, वाजे से उसकी दोस्ती थी। पिछले 4 महीने से ये स्कॉर्पियो अक्सर वाजे ही चलाया करता था। गाड़ी नंबर 2 सफेद रंग की इनोवा जो मुंबई पुलिस के नाम से रजिस्टर्ड है, एंटीलिया केस के दिन वाजे इसी इनोवा में सवार था और स्कॉर्पियो के पीछे ही पार्क करके खड़ा था। गाड़ी नंबर 3 काले रंग की मर्सिडीज बेंच MH18BR9095, इसी नंबर की मर्सिडीज कार में एनआईए को 5 लाख रुपए और नोट गिनने वाली मशीन मिली थी। ये कार मुंबई के एक ट्रेवल ऑपरेटर के नाम से रजिस्टर्ड थी लेकिन इस ट्रेवल ऑपरेटर ने इस कार को एक वेबसाइट के जरिए बेच दिया। ये कार वाजे के पास कैसे पहुंची ये पता लगाया जा रहा है। गाड़ी नंबर 4 काले रंग की मर्सिडीज बेंच जिसका नंबर है MH43AR8697। गाड़ी नंबर 5 सफेद रंग की टोयोटा प्राडो, एनआईए के मुताबिक इसी कार में मनसुख हिरेन और जिलेटिन स्टिक्स को ले जाया गया। ये कार एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने खरीदी थी, इस कंपनी में वाजे पार्टनर है। गाड़ी नंबर 6 नीले रंग की वॉल्वो, इस कार का मालिक दमन का एक व्यापारी है। ये व्यापारी किसी आपराधिक मामले में फंसा है जिसकी जांच का जिम्मा कभी वाजे के पास था। गाड़ी नंबर 7 सफेद रंग की मित्सुबिशी आउटलैंडर, ये सचिन वाजे के नाम से रजिस्टर्ड है। MH01AX2627, इसी नंबर की आउटलैंडर कार इसी हफ्ते नवी मुंबई से बरामद हुई। नवी मुंबई के कामोठे इलाके में शीतल धारा सोसाइटी के बाहर करीब 1 महीने पहले ये कार पार्क की गई थी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक इस कार को प्रकाश ओवाल नाम का असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर चलाया करता था और अब एनआईए को 9 में से 8वीं कार का ये सीसीटीवी सुराग हाथ लग गया। कहा जा रहा है कि 4 मार्च यानी जिस दिन मनसुख हिरेन की हत्या की गई उसी दिन मौका वारदात पर जाने के लिए वाजे और विनायक शिंदे ने इसी कार का इस्तेमाल किया जबकि बाकी कारों का इस्तेमाल सचिन वाजे ने बीते 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक किया था। एंटीलिया केस से लेकर मनसुख हत्या केस में इन अलग अलग कारों का किसी न किसी तरह से वाजे ने अलग अलग दिन इस्तेमाल किया। यही नहीं दोनों केस में सबूतों को नष्ट करने के लिए भी अलग अलग कारों का इस्तेमाल हुआ। सचिन वाजे को शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस गुनाह का वो प्लॉट हर दिन तैयार कर रहा है उसकी जड़ एक दिन एनआईए खोदेगी। सचिन वाजे और गुनाह में उसका साथ देने वाले विनायक शिंदे अपने प्लान को लेकर कितना कॉन्फिडेंट थे उसका सबूत देखिए। 4 मार्च यानी जिस दिन हिरेन की हत्या हुई उसी दिन विनायक शिंदे ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत अच्छा है, चाल कोई भी चले लेकिन अपने अपनों को नहीं मारते।
शतरंज को अपना सबसे पसंदीदा खेल बताने वाला विनायक शिंदे ये नहीं जानता था कि 4 मार्च को जिस दिन मनसुख हिरन की हत्या हुई उसके बाद से उसकी हर चाल उल्टी पड़ती जाएगी और इस पूरी साजिश में उसके अपने ही बहुत दूर तक उसका साथ नहीं दे पाएंगे। विनायक शिंदे शतरंज के कई नियमों से वाकिफ तो था लेकिन वो ये भूल गया कि इस खेल में किसी प्यादे के लिए वजीर की बलि नहीं चढ़ाई जाती और इसी वजह से आज शिंदे और सचिन वजे ये दोनों सलाखे के पीछे हैं लेकिन इनके वो आका जिनके इशारे पर ये तमाम साजिश रची गई वो अभी भी NIA के शिकंजे से बाहर। एंटिलिया और मनसुख केस में अब तक की जो जांच हुई है उसमें वाजे के 2 की पर्सन के नाम सामने आए हैं। इनमें से एक है विनायक शिंदे और दूसरा है नरेश गौर। ठाणे से लेकर नवी मुंबई तक विनायक शिंदे वाजे का वसूली रैकेट चलाता था जिसका उसे कमीशन मिलता था, जबकि नरेश गौर पेशे से क्रिकेट बुकी है। इसी ने अहमदाबाद के एक व्यापारी से फर्जी ID पर दर्जनों सिम कार्ड खरीद कर वाजे को सप्लाई किया था। उसी में से एक सिम कार्ड का इस्तेमाल सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को कॉल करने के लिए किया था। विनायक शिंदे ने उसी गुजराती सिम कार्ड से कॉल करके मनसुख हिरेन को 4 मार्च को ठाणे के किसी जगह पर बुलाया था। कभी पुलिस की नौकरी करने वाले विनायक शिंदे की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मुंबई पुलिस में विनायक शिंदे कांस्टेबल रह चुका है। एक फर्जी एनकाउंटर मामले में वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। कोरोना काल में वो पैरोल पर जेल से बाहर आया था और जेल से बाहर आते ही वो सचिन वाजे के साथ उसके वसूली गैंग से जुड़ गया। NIA अभी ऑडी कार की तलाश कर रही है जिसमें विनायक शिंदे के साथ सवार होकर वाजे मौका वारदात पर गया था। इसके अलावा एक स्कोडा कार को भी ढूंढा जा रहा है जो वाजे की 9 कारों में से एक कार थी। टीम न्यूज़ नेशन।